दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे ड्रीम्स यानी के ख्वाब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी। ख्वाब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे का असर अच्छा पड़ता है और बुरे का बुरा। और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाब में जाने कायनात यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के बारे में। तो आइए जानते हैं तफसील के साथ। इनफैक्ट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही ख्वाब में देखना है, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता और जो शख्स मुझे ख्वाब में देखेगा उससे रंजो गम तकलीफ ग्रीफ दर्द परेशानी दूर रहेगा। हैरान ना हो, मुझे ख्वाब में देखने की ताबीर ज़्यादातर उकबा की यानी आखिरत की भलाई है। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक ख्वाब में करे बस वो समझे कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देखा है और जिस तरह ख्वाब में देखे और आपसे कोई इरशाद पाए या हुक्म सुने तो बेदार होकर उस पर अमल करे। आपकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए ऐन राहत है और जन्नती होने की दलील है। हजरत करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में किसी शहर के अंदर देखे तो वहाँ नेमत व दौलत में तरक्की होगी, लोगों को इत्मीनान कल्ब नसीब होगा और उस मकाम के बाशिंदे दुश्मन पर गालिब आएंगे। हजरत इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नेक लोगों को होती है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें उन चीज़ों की खुशखबरी सुनाते हैं जो उन्हें मिलने वाली होती है और बुरे लोगों को जुर्म व गुनाह से बचाते हैं ताकि उन्हें अजाब से रिहाई मिले।